नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नूपुर शर्मा को मारने की धमकी दी है। नूपुर शर्मा का कहना है कि वायरल वीडियो एडिट किया गया है, जिसे एक फैक्ट चेकर ने शेयर किया है, और वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकी मिल रही है। जिहादियों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस को ट्विटर पर टैग करते हुए जानकारी दी है। हाल में ही ज्ञानवापी मामले में एक टीवी डिबेट से जुड़ा वीडियो उनका एक फैक्ट चेक के नाम पर शेयर किया गया है और लोगों को भड़काने का काम किया गया है। नूपुर शर्मा का कहना है कि वायरल वीडियो एडिटेड है, जिसे एक फैक्ट चेकर ने शेयर किया है, और वीडियो के शेयर होने के बाद उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकी मिल रही है। जिहादियों ने नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। अल्ट न्यूज के प्रोपराइटर ने उनके खिलाफ ट्रोल को बढ़ावा देने के लिए संपादित वीडियो पोस्ट किया है, और उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्ट न्यूज पहले से ही विवादों में रहा है। अल्ट न्यूज पर कई तरह के आरोप लगे हैं, और अल्ट न्यूज लोगों को भड़काने का काम करता है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और दिल्ली पुलिस को टैग किया है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान हुआ तो मोहम्मद जुबेर, जो शायद अल्ट न्यूज का प्रोपराइटर है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में जो भी सच बोलता है उसे ऐसी ही धमकियां मिलती हैं, और उस पर हमला भी होता है। ऐसा ही नूपुर शर्मा के साथ हो रहा है। नूपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मामले पर एक टीवी डिबेट में सच क्या बोल दिया, और अब इस्लामिक कट्टरपंथी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नूपुर शर्मा ने कहा कि एक फैक्ट चेकर है जो फेक न्यूज स्प्रेडर कहता है, यानी वो फर्जी खबरें फैलाता है, और मेरे खिलाफ जानबूझकर उसने फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। बहरहाल, बहुत सारे लोग नूपुर शर्मा के सपोर्ट में आ रहे हैं, और ट्विटर पर यही कह रहे हैं कि ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई धमकी देने की कोशिश ना करे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।